नमस्कार आदाब स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पर मैं हूं आपका अपना हैदर खान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिमाइंडर्स ऑन व्हाट्स एप ओके सो टॉपिक पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा फिर भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं मान लीजिए कि मेरा कोई एक्स वाइज बिजनेस है और उससे रिलेटेड मैं मीटिंग uh, शेड्यूल की है या वेबिनार जो है मैंने शेड्यूल किया है आज से एक महीने बाद है ना अब काफी सारे लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं और मीटिंग और वेबिनार मीटिंग है या वेबिनार में जो है इंटरेस्ट भी दिखाते हैं बट जब मेरा इवेंट चालू होता है उसमें लोग मौजूद नहीं होते इसका एक कारण मुझे पता चला यह है कि एक महीने का समय जो होता है वो काफी ज्यादा रहता है और वो लोग भूल जाते हैं एक महीने तक कि हमें कोई मीटिंग भी अटेंड करना थी तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आया हूं ये वीडियो इसमें होगा क्या कि हमारा इवेंट चालू होने से एक दिन पहले दो घंटे पहले और पंद्रह मिनट पहले तीन तीन मैसेज हम रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर जो है हमारे सारे रेसिपियंट्स जिन्होंने भी फॉर्म को फिल किया है रजिस्ट्रेशन किया है हमारी मीटिंग में वेबिनार में उन सभी को एक मैसेज चला जाएगा कुछ इस तरह से ये रफ मैसेज है और अच्छी तरीके से जाएगा ओके okay? जैसे कि हेलो नितिन रिमाइंडर यूर वेबिनार ऑन हाउ टू ग्रो यू YouTube एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से वेबिनार लिंक जो है चला जाएगा, मैसेज, ओके? क्या होगा? कि भारी मात्रा में जिन्होंने भी हमारा जो है, दिखाया इस वीडियो में और बेस्ट पार्ट बताऊं आपको इस ऑटोमेशन का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल का आना जरूरी नहीं है और एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ये ऑटोमेशन बहुत ही आसानी से कर सकता है सो ये कैसे करता हूं मैं आपको करके दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर ओके okay, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने मेरा व्हाट्सएप वेब ओपन है और मेरे पास सबसे पहले ये मैसेज आया हेलो रमेश वर्मा टुडे इज़ द डे दिस सॉरी सबसे पहले ये वाला नहीं आया सबसे पहले हमारे पास आया टुमारो वाला है ना एक दिन पहले आया था मैंने रजिस्टर किया था अपना एक मीटिंग है ना उससे पहले मेरे पास ये मीटिंग uh, होने से एक दिन पहले मेरे पास ये मैसेज आया डियर रमेश वर्मा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर टू द डायमंड मर्चेंट वेबिनार ओके द वेबिनार विल हैपन टुमारो एट टू पी ओके मतलब कल होने वाला है ठीक है है ना और यहां पे यस कैन यू कैन द यू कैन ज्वाइन द वेबिनार थ्रू द लिंक बिलो ओके इस लिंक को आप क्लिक करके जो है वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं ओके एंड सेकेंड मेरे पास मैसेज आया उसी दिन जिस दिन जो है मीटिंग थी उसके दो घंटे पहले डियर रमेश वर्मा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्स टू डायमंड मर्चेंट वेबिनार सेल मोर लेस टाइम वेबिनार द वेबिनार विल हैपन विद इन द नेक्स्ट टू आवर्स इट विल स्टार्ट एट शार्प टू पी एम ओके फॉलो द लिंक बिलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है फिर उसके बाद फिफ्टीन मिनट्स पहले भी मेरे पास मैसेज आया जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं तो ये ऑटोमेशन मैंने कैसे किया ये ऑटोमेशन मैंने जस्ट कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके किया आइए आपको बताता हूँ वो इजी स्टेप्स क्या हैं ओके सो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर में टाइप करेंगे पी ए डबल बी एल वाई पेबली डॉट कॉम प्रेस एंटर सो ये है पेबली डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट देन अब हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे पेबली कनेक्ट पे ओके okay? कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ओपन हो गया है हमारे सामने पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज कुछ इस तरह से दिखता है देन अब हम क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में ऑप्शन है साइन अप फ्री पर ओके okay, अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए सिर्फ दो मिनट लगेंगे फ्री अकाउंट बनाने में मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है दसवा है मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे ओके साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे फर्स्ट एक ऑप्शन है पेबली कनेक्ट का क्लिक करेंगे एक्सेस नाव पर Access नाव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड राइट हैंड साइड में ऑप्शन है क्रिएट वर्क फ्लो का उस पर क्लिक करेंगे देन अभी मैं अपने वर्क फ्लो को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ जूम टू व्हाट्सएप ओके मैंने नाम दिया है जूम टू व्हाट्सएप आप एक्स वाई जैड जैसा आपको नाम देना हो वो आप दे सकते हैं तो मेरे वर्क फ्लो का नाम हो गया है जूम टू व्हाट्सएप एक इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का जिसपे क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्क फ्लो अपने अकाउंट में यूज कर सकते हैं वो भी एकदम फ्री में ओके सो वर्क फ्लो को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गई हैं कुल दो विंडोज एक है ट्रिगर विंडो एक है एक्शन विंडो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर क्या होता है और एक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिगर मीन्स वेन दिस हैपन्स जब भी ऐसा हो एक्शन का मतलब होता है डू दिस ऐसा कर दो टॉपिक के अनुसार जब भी हमारे जूम में कोई आ, रजिस्ट्रेंट आके मीटिंग को रजिस्टर करे तो उसके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली उसको आ, एक दिन पहले दो घंटे पहले और पंद्रह मिनट पहले रिमाइंडर्स चले जाएं ओके सो so, इस हमारे यूज केस में होगा हमारा ट्रिगर फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन हमको चूज करना होगी जूम ओके सो so, हम जूम को चूज कर लेते हैं देन ट्रिगर इवेंट में चूज कर लेंगे कन्फिगर वेबुक्स को ठीक है दैन अभी हमें जूम ने पेब्ली कनेक्ट ने दिया है एक वेबुक यू आर एल जिसको हम कर लेते हैं कॉपी और नीचे है डॉक्यूमेंटेशन जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हमें कहाँ पे जाके क्या करना है कि जिससे जूम हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से पेब्ली कनेक्ट से इंटीग्रेट होगा हमारा जूम विद द हेल्प ऑफ दिस वेबो क्यू आर एल कॉपी कर लेता हूँ इस वेबो क्यू आर एल को और चलता हूँ मेरे जूम की प्रोफाइल पर सो so, ये है मेरी जूम की प्रोफाइल नीचे स्क्रॉल uh, करूँगा एक ऑप्शन है एडवांस्ड का क्लिक करूंगा ऐप मार्केट प्लेस पे ओके सो ऐप मार्केट प्लेस पर क्लिक करने के बाद क्लिक करूंगा यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है डेवलप का फिर एक ऑप्शन आएगा बिल्ड एप्लीकेशन का तो बिल्ड ऐप पे क्लिक कर दूंगा देन बिल्ड ऐप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लेकिन हमारा जो काम है वो है जे से जे का फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन ओके है ना सो जेसन वेब टोकन हमें क्रिएट करना पड़ता है बट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं योर अकाउंट ऑलरेडी हैज़ जे क्रेडेंशियल ओके सो यहाँ पे मैंने पहले ही जो है जे डब्ल्यू टी अकाउंट अपना जो है वो क्रिएट कर लिया है आप भी अपना अकाउंट बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं आपको क्लिक करना होगा व्यू हेयर पे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल करके रखी हैं। आपको भी फिल करना है इन्हें स्किप कर सकते हैं देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है देन ऐप क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे देन फीचर्स पे आना है आपको और ये इवेंट सब्सक्रिप्शन को ऑन कर देना है देन मैं नीचे इसका ड्रॉपडाउन ओपन करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ ऐड इवेंट सब्सक्रिप्शन पे ओके okay. अब आगे की प्रोसेस हमारी ये रहेगी देन ऐड इवेंट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके नीचे ये मुझसे सब्सक्रिप्शन का नेम मांगेगा तो मैं इसको नेम देता हूँ जूम मीटिंग ठीक है जूम मीटिंग मैंने नेम दे दिया देन यहाँ पे इवेंट नोटिफिकेशन एंड पॉइंट यू आर एल पर मैं क्या करूंगा मैं मेरी जो वेबुक यू आर एल है जो मुझे पेब्ली कनेक्ट ने दी थी उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूंगा ओके देन इवेंट में एड इवेंट पर क्लिक करके मैं मीटिंग वाले ऑप्शन पर जाके चूज करूँगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्रिएटेड को ओके देन मैंने इसको चूज कर लिया देन क्लिक कर दूंगा डन पे ठीक है देन मैं क्लिक कर दूंगा सेव पे उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे ओके okay, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो so, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बता रहा है योर ऐप इज़ एक्टिवेटेड ऑन द अकाउंट सो हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्टिवेट हो गया है पेब्ली कनेक्ट पे चल के चेक करते हैं सो so, यस yes, यहाँ पे भी ये वेट कर रहा है वेबुक के रिस्पांस करने का मतलब कि अब हमें वेबुक को रिस्पॉन्स करवाना होगा हम हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे हम चल के एक मीटिंग जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे एक यूज़र बन और देखेंगे कि हमारी डिटेल्स यहाँ पर पहुँचती हैं या नहीं सो so, चलिए चलते हैं हमारे जूम की प्रोफाइल पे और वहाँ चल के मीटिंग्स पे क्लिक करके एक मीटिंग जो हमने पहले से बना के रखी है जो कल होने वाली है दो से तीन के बीच में टू पी एम टू थ्री पी के बीच में होने वाली है टमोरो ओके कल है ना तो इसके अंदर हम जाके क्या करते हैं रजिस्टर करते हैं ओके सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ देन मैं नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करता हूँ ठीक है रजिस्ट्रेशन लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओके आप भी इसी तरह से जो है मीटिंग होस्ट uh, कर सकते हैं या तो अभी होस्ट करना हो या फिर यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं है न शेड्यूला मीटिंग भी कर सकते हैं आप शेड्यूल पे क्लिक करके है ना तो आप यहाँ पे अपने आप भी मीटिंग जो है अपनी जैसे मैंने बनाई है शेड्यूला मीटिंग पे क्लिक करके मैंने ये मीटिंग जो है कल बनाई थी दैट्स वाई यहाँ पर आप भी आपकी मीटिंग जो है शेड्यूल कर सकते हैं अगर आपको करनी हो तो ओके okay? जैसे कि मैंने ये वाली करी है सो so, मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाई दिया है ये कुछ इस तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई एड्रेस कन्फर्म ई एड्रेस और यहां पे मैंने एक और फील्ड दी है व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड प्लस नाइन वन ये कस्टम फील्ड है ये मैंने खुद क्रिएट की है आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता ठीक है आपको मीटिंग क्रिएट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना होगा यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट का एडिट पे क्लिक करना होगा देन यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन आता है क्वेश्चन में से आप वो सारे क्वेश्चन जो है पिक कर लीजिए जो जो आप चाहते हैं आप इनमें से उन उनपे राइट टिक लगाते जाइए रिक्वायर्ड करते जाइए तो वो सब सबसे होते जाएंगे अगर आपकी पसंद का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसको कस्टम क्वेश्चन पे जाके भी क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं ओके okay? इस तरह से आप जो है व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड प्लस नाइन वन वाला जो नंबर है आप ले सकते हैं ये हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें व्हाट्सएप पर ही तो नंबर सेंड करना है अगर हम ये नहीं डालेंगे तो कस्टमर क्या करेंगे या यूजर क्या करेगा कि वो आके अपना फोन नंबर डाल देगा टेलीफोन नंबर डाल देगा है ना दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड हो ओके okay? है ना इसको मैं कट कर देता हूं अब मैं क्या करता हूं मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ चल के ठीक है यहाँ पे मैं फॉर्म को फिल कर देता हूँ नेम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ रमेश सॉरी रमेश ओके सो ये रहा उनका नंबर प्लस नाइन वन नाइन थ्री फोर जीरो एट सेवन सिक्स नाइन वन थ्री ओके देन मैं क्या करता हूं मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ ओके सो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है मीटिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया है सक्सेसफुली है ना जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड ठीक है चल के चेक करते हैं जो डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल करी वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास पहुंची या नहीं तो मैं चलता हूँ कनेक्ट पे और वहाँ चल के चेक करता हूँ सो यस यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली और हमारे पास डिटेल्स भी आ गई हैं चेक कर लेते हैं वही डिटेल्स हैं कि नहीं सो so यस yes, हमने नाम फिल करा था रमेश लास्ट नेम वर्मा ईमेल एड्रेस था रमेश वन टू थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और जिनका व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड ये रहा ओके okay? सो so हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं ओके लेकिन uh, एक चीज़ है uh, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो टाइमिंग है जब हमारी uh, जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है वो टाइम हमारा यहाँ पे ही आया है 2021 है ना 11th मंथ जो है और ट्वेंटी जो है डेट है ठीक है और ये आठ बज के तीस मिनट का टाइम है बट हमारी जो हमने मीटिंग है वो हमारी मीटिंग कितने बजे की है वो है दो बजे की है ना दो बजे से तीन बजे की है लेकिन यहाँ पे जो टाइम आ रहा है ये आ रहा है यू फॉर्मेट में ओके है ना हमारा जो ये वाला टाइम है ये आई फॉर्मेट में है मुंबई कोलकाता न्यू दिल्ली के तो इसको हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि एक दिन पहले मैसेज सेंड हो उसके बाद कितना दो घंटे पहले मैसेज सेंड हो उसके बाद कितना पंद्रह मिनट पहले मैसेज सेंड हो तो उसके लिए ऐसा करने के लिए हमें डेट चाहिए होगी एक दिन पहले की है ना तो यहाँ पे कितनी डेट है ट्वेंटी थ्री एक दिन पहले मतलब हमें हमें चाहिए ट्वेंटी टू तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर का ठीक है एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर ओके सो मैंने चूज किया डेट टाइम फॉर्मेटर को देन यहाँ पे एक्शन इवेंट में मैंने चूज किया फॉर्मेट जो है हमारा एड सब्सट्रैक्ट टाइम को ओके okay? सो so, मैंने चूज कर लिया एड एड सब्सट्रैक्ट टाइम को देन मैंने क्लिक कर दिया कनेक्ट पे ओके okay? कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है डेट मैप करनी है अब आप बोलेंगे मैप करना क्या होता है सो तो जो डेटा हमें ट्रिगर एप्लीकेशन से मिलता है जब वही सेम टू सेम डेटा हम एक्शन एप्लीकेशन की ब्लैंक फील्ड्स में सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं मैपिंग नहीं समझ में आया आइए आपको एग्जाम्पल दिखा के समझाता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर डेट मैप करनी है ठीक है तो मुझे कौन सी डेट मैप करनी है जो ये वाली है जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ओके सो यहाँ पर यह है ये डेटा है जूम से मिला हुआ और जूम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है मैं करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे तो नीचे ऑप्शन आने लगेगा जूम का जूम पे क्लिक करूंगा तो वो सारा डेटा ओपन हो जाएगा जो मुझे जूम से मिला है ये वही डेटा है जो हमें यहाँ पे ये जूम से मिला है ओके सेम सेम टू डेटा है अब मुझे क्या करना है मुझे डेट की सही फील्ड को फाइंड करना है और उसको वहां पे सेलेक्ट करके ऐड कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ पे डेट की ये देखता हूँ ये रही हमारी स्टार्ट डेट जब हमारा टाइम मीटिंग स्टार्ट होने वाली तो मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ सिंपल इसी को हम कहते हैं मैपिंग फ्रॉम फॉर्मेट यहाँ पे जो है फ्रॉम फॉर्मेट हमें चूज करना होगा है ना तो ये कौन सा फॉर्मेट है वाई वाई एम एम डी डी टी ज़ीरो ओके सो ऐसा करके आई है ना सो वाई वाई एम एम डी डी टी ज़ीरो हम देख लेते हैं है ना एक्चुअली यही वाला रहेगा शायद है ना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो उसने चूज़ कर लिया है सही रहने दीजिएगा उसके बाद टू फॉर्मेट में हम चूज़ करेंगे कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए ठीक है तो हमें चाहिए ये वाले फॉर्मेट में हमारा कहाँ है हाँ ये वाला वाई वाई एम एम डी डी एच एच एम एम एस एस ये वाले फॉर्मेट में हमें चाहिए ठीक है एक्सप्रेशन ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम यहाँ पे Uh, एक दिन का हमें एक दिन पहले का जो है डेट चाहिए तो हम यहाँ पे नीचे हमें दिया हुआ है फॉर्मेट इस फॉर्मेट में हमें जैसे कि डेज माइनस करना है तो इस फॉर्मेट में करवाना होगा मंथ माइनस करना है तो इस फॉर्मेट में है ना मिनट माइनस करना है तो इस फॉर्मेट में और घंटे माइनस करना है तो इस फॉर्मेट में तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी फर्स्ट तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन पहले वाला मैं सेट कर दूँ तो इसके लिए मैं ये माइनस टू डेज वाला जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर माइनस टू की जगह माइनस वन कर देता हूँ सिंपल है ना जिससे कि मुझे एक दिन पहले की डेट मिल जाएगी इस फॉर्मेट में ठीक है क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर सो so यस yes, मेरे को मुझे मिल गई है डेट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन इलेवन 2022, ओके okay? जो हमारी पुरानी वाली डेट थी वो थी 23 की है ना और हमें मिल गई है डेट जो है 22 की है ना सक्सेसफुली ओके अब ऐसे ही हमें चाहिए दो घंटे पहले का टाइम मतलब वहाँ पे डेट चेंज नहीं होगी लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा टाइम हो जाएगा सिक्स थर्टी और फिर 15 मिनट पहले का टाइम मीटिंग से ओके okay? तो अब हमें करना क्या है हमें यही स्टेप्स जो है अभी हमने जो किया है इन्हीं को दो बार और करना है लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाएगा जैसे कि यहाँ माइनस वन डे है तो एक जगह हो जाएगा माइनस टू डेज और एक जगह हो जाएगा माइनस फिफ्टीन मिनट्स ओके तो चलिए आपको करके बताता हूँ है ना दोबारा यही स्टेप्स करने से कोई मतलब नहीं है टाइम ज़्यादा जाएगा तो हम क्या करते हैं हम यही स्टेप को क्लोन कर लेते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लोन का क्लोन स्टेप पे क्लिक किया यस क्लोन नाव पे क्लिक किया तो ये स्टेप क्लोन हो गई है ओके ठीक है जैसा कि आप देख रहे हैं दो हो गई हैं अभी एक और बार मैं जो है क्लोन करता हूँ इसी को स्टेप को ठीक है तो ये दूसरी बार भी क्लोन हो गई है तीन स्टेप हो गई हैं तो हमारा फर्स्ट वाला जो है ये है वन डे माइनस वन डे वाला तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो ओके मैं इसका नाम रख देता हूँ माइनस वन डे ओके माइनस वन डे मैंने नाम रख दिया सॉरी अंडर लग गया माइनस की जगह माइनस वन डे ओके सेकेंड वाले का मैं रीनेम कर देता हूं माइनस टू आवर्स ठीक है माइनस टू और अपडेट कर देता हूं देन थर्ड वाले का मैं जो है रीनेम कर देता हूं माइनस फिफ्टीन मिनट्स ठीक है अपडेट पे क्लिक कर देता हूं ओके okay. देन अब मैं आ जाता हूँ माइनस टू आवर्स वाले पे वन डे वाला तो हमने जो है कर दिया एडिट माइनस टू आवर्स वाले पे आ जाते हैं ठीक है तो इसमें बाकी सब सेम रहेगा बस ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम वन डे पहले मैसेज नहीं भेजेंगे यहाँ पे हम भेजेंगे टू आवर्स पहले तो मैं यहाँ पे आवर्स वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ एट की जगह टू कर देता हूँ ओके देन क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर सो so, यहाँ पे हमें दो घंटे पहले का टाइम मिल गया साढ़े छः बजे का है ना जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ओके ठीक है देन हम आ जाते हैं नीचे ओके उसके बाद ये रहा हमारा माइनस फिफ्टीन मिनट्स वाला ठीक है इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ठीक है ये माइनस फिफ्टीन मिनट्स वाला है तो इसमें हम जो है मिनट्स वाला हमारा फॉर्मेट कॉपी करेंगे ये रहा और इसको यहाँ पर पे ला पेस्ट कर देंगे ठीक है और आगे माइनस फाइव वो फिफ्टीन कर देंगे ओके फिफ्टीन मिनट्स पहले चाहते हैं ना लास्ट वाला जो था देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमें फिफ्टीन मिनट्स पहले का भी टाइम मिल गया हमारी जो मीटिंग थी वो थी साढ़े आठ बजे और जो टाइम है वो है एट फिफ्टीन पहले भी फिफ्टीन मिनट पहले भी रिमाइंडर जाएगा और हमारा फिर माइनस टू और मतलब दो घंटे पहले भी जाएगा और एक दिन पहले भी जाएगा ओके okay? सो so ये हमने तीनों चीज़ें कर ली हैं अब हम क्या करने वाले हैं अब हमको करना है हमारा आई एस टी यू टी सी जो हमारा टाइम है उससे हमें इसको आई एस टी में करना है ओके okay? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एट पॉइंट फिफ्टीन आठ बज के पंद्रह मिनट का बता रहा है लेकिन हमारी जो मीटिंग है वो है दो बजे दिन में तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम दोबारा से जो है डेट टाइम फॉर्मेटर को चूज़ करेंगे ओके okay? uh, प्लस बटन पे क्लिक करके मैं दोबारा से चूज करूँगा डेट टाइम फॉर्मेटर को ओके okay? तो so मैंने चूज़ किया डेट टाइम फॉर्मेटर को देन एक्शन इवेंट पे इस बार मैं चूज़ करूँगा फॉर्मेट डेट विथ टाइम जोन ओके टाइम जोन के साथ चाहिए कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा देन यहाँ पे डेट में मैं मैप कर दूँगा हमारी जो हमें लास्ट में जो डेट मिली है सॉरी हमारी ये वाली डेट मैप करेंगे हम जूम से जो हमें मिली है ओके okay? क्योंकि वही सेम डेट नीचे भी है कोई सी भी कर लो कहाँ हैं ये रही ओके okay? सो so यहाँ पर मैंने इसे मैप कर दिया फ्रॉम फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लिया है ओके okay? टू फॉर्मेट में मैं select किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए मुझे चाहिए ये वाले फॉर्मेट में ओके okay? है ना इस फॉर्मेट में मुझे जो है अपनी अपडेट चाहिए और टाइम भी ओके okay? और एक्चुअली हमारा जो है मैं चाहता हूं कि पी एम एम पी एम भी आए तो मैं ये वाला जो है टाइम फॉर्मेट जो है चूज़ करूँगा ठीक है मैं चाहता हूँ कि इसमें आए ठीक है डेट अपना टाइम और यहाँ पे ए एम पी एम का भी बताए ओके तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है ना फ्रॉम टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं है यहाँ पे मैं फ्रॉम टाइम जोन में डाल देता हूँ यू टी सी ओके आ गया एक्सेट्रा यू टी सी ठीक है देन यहाँ पे टू टाइम जोन किस टाइम जोन में चाहिए तो मुझे चाहिए एशिया कोलकाता आप अपने हिसाब से अपना डालिए ओके मैं डाल रहा हूँ एशिया कोलकाता यहां पे मैंने एशिया कोलकाता को चूज कर लिया है ओके देन मैं क्लिक करता हूं सेव एंड साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पर ओके सो यस सेव एंड साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा एकदम सही टाइम हमें मिल गया है जितने बजे हमारी मीटिंग है हमारी मीटिंग है टू पी एम पे तो हमें यहाँ पे टाइम मिल गया है एकदम टू पी एम ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू पी एम ओके सो तो हमें टाइमिंग भी मिल गई है एकदम सही सही है ना हमारा जो है मीटिंग इतने बजे है ओके सो तो अब हमें क्या करना है अब हम चलते हैं एक एक्शन स्टेप और एड करना होगी हमको ओके सो तो अब हमको चूज करना होगा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटर ओके टेक्स्ट फॉर्मेटर यूज़ करना होगा क्यों यूज़ करना होगा वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें डेट भी एक साथ मिली है टाइम भी एक साथ मिला है और पीएम भी एक साथ मिला अब मैं चाहता हूँ ये अलग अलग हो जाए ओके okay? डेट अलग हो जाए टाइम अलग हो जाए और पीएम अलग हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज़ करूँगा और चूज़ करूंगा इवेंट में स्प्लिट टेक्स्ट को ओके है ना एक्शन इवेंट में देन कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा देन टेक्स्ट टू स्प्लिट में मैं मैप कर दूंगा मेरा जो आ, टेक्स्ट में स्प्लिक करना चाहता हूँ वो ये वाला टेक्स्ट है तो मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक फील्ड पे और सबसे नीचे आके डेट टाइम फॉर्मेटर से जो मुझे एक टेक्स्ट मिला है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा सेपरेटर ये रहा हमारा स्पेस ए, स्पेस जिन, जिन के बाद है उन सबको सेपरेट कर दो इसका मतलब ये है, तो मैं यहाँ पे स्पेस को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ देन मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट नहीं ऑल ओके देन मैं सेवन सैन टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दूंगा यस so yes, यहाँ पे हमें अलग अलग मिल गई हैं डेट भी अलग मिल गई टाइम भी अलग मिल गया पीएम भी अलग मिल गया है ओके अब हमें हमारी जो है रिमाइंडर सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पे हमारे वेबिनार का सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं ओके तो अब हम क्या करते हैं अब हम क्लिक करते हैं प्लस बटन पे एक बार और, और एक एक्शन एक एक स्टेप और जो है वो ऐड करते हैं जिसका नाम है राउटर ओके सो तो ये रहा राउटर ओके राउटर पर क्लिक कर दिया देन अब हम क्लिक करेंगे सेट फिल्टर एंड एप्लीकेशन स्टेप्स ओके क्लिक किया देन फिल्टर पे हम जो है चूज करेंगे सबसे ऊपर आके मीटिंग रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड क्योंकि हमारा ट्रिगर तभी काम करना चाहिए मैसेज तभी रिमाइंडर जो है रिमाइंडर मैसेज तभी सेंड हो जब रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रजिस्ट्रेशन क्रिएट और इक्वल्स टू से हटा के इसको कर लूंगा इज एग्जिस्ट पे ओके इज एग्जिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर ओके सो यस सेव एंड साइट टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद कंडीशन ट्रू आई है स्टेटस सक्सेस आया है ओके नाव मैं एक्शन स्टेप एक और ऐड करूँगा और मैं चूज करूँगा डिले मॉड्यूल को ओके ये पैब्ली कनेक्ट का एक बहुत ही अच्छा टूल है डिले मॉड्यूल को कोके यहाँ से हम हमारे वर्क फ्लो को डिले करेंगे कि जब तक इतना टाइम नहीं हो जाए तब तक आपको रुके रहना है ओके सो डिले फॉर नहीं करना डिले अनटिल करना है ठीक है डिले डेट जो है हमारी डिले डेट है हमारी सबसे पहले हम चाहते हैं फर्स्ट एक दिन पहले जाए सो हमारी डिले डेट होगी यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा माइनस वन डे दे वाली डेट को ओके सो मैंने क्लिक किया माइनस वन डे दे वाली डेट को और यहाँ पे जो है रिजल्ट पे चूज़ कर दिया ये वाली डेट को ओके जो कि है हमारी ट्वेंटी है ना हमारी मीटिंग है ट्वेंटी की और हमारा जो है डेट है ट्वेंटी ओके okay. सो so, यहाँ पे ट्वेंटी टू को ये वाला मैसेज जाएगा डिले मॉड्यूल जब तक लगा है तब तक क्या रहेगा कि अभी ये ट्वेंटी टू को ही मैसेज जाएगा उससे पहले नहीं जाएगा ना ही उसके बाद में ठीक है देन क्लिक करते हैं सीए वैन साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो so, जैसे ही सेव एन साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो हमारा जो है स्टेटस uh, सक्सेस आया है और मैसेज डिले हो गया है ये सेंड नहीं होगा बाईस तारीख से पहले है ना बाईस तारीख को ही सेंड होगा साढ़े आठ बजे ठीक है देन अब हम एक एक्शन स्टेप और ऐड करेंगे है ना अब हम रिमाइंडर मैसेज सेंड करना चाहते हैं किस पे व्हाट्सएप पे ओके सो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के लिए हम चूज़ करेंगे थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी डायलॉग का ओके व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग का अब आप पूछेंगे कि ये थ्री सिक्स से क्यों नहीं भेज रहे हैं डायरेक्ट थ्री सिक्सटी डायलॉग का यूज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम व्हाट्सएप से डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकते व्हाट्सएप की ऑफिशियल ए जिसका नाम है थ्री सिक्सटी डायलॉग उसका यूज कर रहे हैं ओके ये हमें हेल्प करेगा व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप रिमाइंडर सेंड करने के लिए ओके रिमाइंडर मैसेज सेंड करने के लिए ओके सो तो एक्शन इवेंट में हम चूज करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज क्योंकि हम टेम्पलेट मैसेज ही सेंड करने वाले हैं देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे ओके कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे एड न्यू कनेक्शन पे देन ये हमसे मांग रहा है ए की और डोमेन सो ए पी आई की और डोमेन कहाँ से मिलेगा आपको ये मैं बता देता हूँ ये हमें पहले सबसे पहले हमें चलना होगा हमारे व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग के अकाउंट पे तो ये है मेरा व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग का अकाउंट एक बात बता दूँ आपको कि ये पेब्ली कनेक्ट का कोई टूल नहीं है आपको इसे अलग से परचेस करना पड़ेगा ये एक थर्ड एप्लीकेशन है यह आपको हमारे थ्रू एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा है ना इसकी डिटेल्स लिंक वगैरह जो भी है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए ओके सो ये है मेरा थ्री सिक्सटी डायलॉग का डैशबोर्ड है ना क्लिक करूंगा व्हाट्सएप अकाउंट पे तो जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट एपीआई की का मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एपीआई की जनरेट हो जाएगी और मुझे एपीआई की मिल जाएगी डोमेन भी दोनों को कॉपी करना है यहाँ लाके पेस्ट कर देना है और क्लिक कर देना है सेव पर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग कनेक्ट हो जाएगा आपके पेबली कनेक्ट से एक बात बता देता हूँ कि इस ए की को बार बार जनरेट करने की कोई नीड नहीं है आप एक बार ही इस ए की को जनरेट कीजिए और उसी का यूज़ जो है मल्टीपल एप्लीकेशनस में कीजिए मैंने भी अपना ए की एक बार जनरेट कर लिया है दसवाई मैं दोबारा नहीं करूँगा ओके मैं वही अपने पुराने वाले कनेक्शन का यूज़ करूँगा ओके तो मैं आ जाता हूँ पेबली कनेक्ट पर देन क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर देन क्लिक

ओके सो सेफ पे क्लिक करने के बाद अभी मेरा व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से नाउ कनेक्ट होने के बाद मेरे सामने एक टेम्पलेट की रिक्वायर्ड फील्ड आई है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारे ऑप्शन आने लगते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे ये सारे नाम कहाँ से आ रहे हैं तो ये सारे नाम जो हैं ये मेरी टेम्पलेट्स के नाम हैं जो मैंने क्रिएट करके रखी हैं अपने व्हाट्सएप बाय थ्री सिक्सटी डायलॉग के अकाउंट में तो चलिए आपको चल के पहले तो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मेरी टेम्पलेट से ओके सो आइए थ्री सिक्सटी डायलॉग के अकाउंट में यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज टेम्पलेट्स का मैनेज टैम्पलेट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी टेम्पलेट्स जो हैं मौजूद हैं ये सब मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हैं और इनको मैंने अप्रूव भी करवा चुका हूँ फेसबुक से है ना सो आपको भी क्रिएट करना पड़ेगी और अप्रूव करवानी होगी फ़ेसबुक से क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा एड टेम्पलेट्स पे देन यहाँ पे बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेगा और आपको कैसी टैंपलेट्स चाहिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्रिएट करके आप क्लिक कर दीजिए प्रिव्यू एंड सबमिट पर फिर ये जाएगा रिव्यू के लिए फेसबुक के पास है ना अप्रूव होने में टाइम लग सकता है कम से कम तीस मिनट लग सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन भी लग सकते हैं ओके सो so, अभी मैं जिस आ, आ, अभी मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूं उसका नाम है वन डे जूम ओके सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूं कहाँ है वो ओके ये रहा जूम वनडे ओके इसका नाम है जूम वनडे तो मैं इसको जो है चूज कर लेता हूं जूम वनडे को ठीक है सो so, मैं पहले तो आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरह से है, ये टेम्पलेट है ना यहाँ पे डियर के बाद देख रहे होंगे आप ये करली ब्रैकेट्स के अंदर वन लिखा है यहां टू थ्री फोर लिखा है करली ब्रैकेट्स में ये क्या है तो ये है वेरिएबल्स ये हर मैसेज में चेंज होते रहेंगे ओके जैसे कि डियर के बाद आएगा कस्टमर का नेम या हमारे रेसिपिय जो हमारा रेसिपियंट है उसका नेम ठीक है तो यहाँ पे डियर के बाद मान लीजिए रेसिपेंट का नेम है पंकज ओके तो पंकज आ जाएगा मान लीजिए नीरज है तो नीरज आ जाएगा चेंज होंगे है, ओके, सो हम ये वाली टेम्पलेट को हमें चूज करना है इसका नाम है जूम वनडे तो हम चलेंगे पेबली कनेक्ट पे और यहां पे सर्च करेंगे जूम वन डे ओके सो ये आ गई हमारी जूम वनडे की टेम्पलेट ओके चूज कर ली ठीक है, ओके सो यहां पे हमने जूम वनडे वाली जो हमारी टेम्पलेट है उसको चूज कर लिया है देन नीचे आ जाएंगे लैंग्वेज कोड को कुछ नहीं करेंगे नेम स्पेस को भी वैसे ही रहना देना है एन का मतलब होता है इंग्लिश ओके रेसिपिएंट मोबाइल नंबर आ गया अब हमें फिर से यहाँ पे मैपिंग करनी है सो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है हमें कहाँ से मिलेगा रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर हमारे जूम के डेटा से तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे जूम पे ओके okay? सो so, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके फाइंड करेंगे नंबर कहाँ है

मीटिंग uh, का नेम है वो कर Webinar, okay? मैप कर देंगे डायमंड मर्चेंट वेबिनार ओके पे कर दिया ठीक है डायमंड मर्चेंट वेबिनार ठीक है पढ़ के देख लेते हैं सबसे पहले थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ टू द डायमंड मर्चेंट वेबिनार ठीक है एकदम सही है अब यहाँ पे हमारी टाइमिंग जो है वो मैप होगी है ना टाइमिंग मैप होगी ओरिजिनल ओके okay, सो so हमें जो टाइम मिला है हमने टाइमिंग जो हमसे मिला था वो हमें मिला था टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली से हमने स्प्लिट करा था हमें तीनों चीजें मिल गई थी ए एम पी एम और टाइम भी तो हम यहाँ पे जो है हमारा टाइम जो है वो मैप कर देंगे ये रहा टू पी एम टू स्पेस देके के पी एम ये रहा पी एम ओके okay, मैप कर दिया है ना टू पी एम अब हम आ जाते हैं नीचे ओके बॉडी फील्ड फोर पे अब हम यहाँ पे हमारी जो है लिंक मैप कर देंगे किसकी जॉइन लिंक ओके सो यहाँ पे सबसे नीचे होगी हमारी जो है लिंक जॉइन लिंक ये रही है हमारी है ना ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेंट जॉइन यू ओके सो इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया देन लास्ट वाली जो फील्ड है यहाँ पे हमारी टीम का नाम आ जाएगा तो मैं यहाँ पेबली ही लिख देता हूं आप आपकी टीम का नाम लिखिए तो, तो जैसे ही मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे किया मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया चलिए आपको ओपन करके दिखा देता हूं यस so, yes, जैसा कि मेरे सामने आप मैसेज देख रहे हैं डियर आर रामेश वर्मा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर टू द डायमंड मर्चेंट वेबिनार हाउ टू सेल मोर इन लेस टाइम वेबिनार ओके द वेबिनार विल हैपन टूमोरो एट टू पी एम ओके यू कैन ज्वाइन द वेबिनार थ्रो द लिंक बिलो ओके यहाँ पे आप लिंक बिलो जो है हमारी इसको हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक हमारी ज्वाइन हो जाएगी हम तो जाके तुरंत ज्वाइन कर लेंगे वेबिनार को ओके okay. अभी क्या होता है ना कभी कभी जब नए नंबर से मैसेज आता है हमारे पास तो हमारे सामने आ, क्लिकेबल जो यू आर एल रहती है, है वो क्लिकेबल नहीं होती है ठीक है तो उसको क्लिकेबल करने के लिए या तो आप उस कॉन्टैक्ट को सेव कर लीजिए यहाँ स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है ओके करने का तो आप उसको ओके कर दीजिए अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है वैसे आता है ओके लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ओके का ऑप्शन आए आप ओके कर दिए आपके शायद फ़ोन में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें

यहाँ पे हम फिर वही सेम चीज करेंगे ओके है ना सेम टू सेम तीन चीज हमें करना है बस खाली वहां पे टाइम वगैरह जो है चेंज कर देना तो मैं कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूं ओके तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तीनों और के क्लोन कर लिए हैं क्लोन कैसे करेंगे यहाँ पे क्लोन का एक ऑप्शन होता है क्लोन पे क्लिक करके इन तीनों को मैंने क्लोन कर लिया है सिर्फ डिफरेंस क्या है इनमें इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वाला तो मैंने आपको सेट करके बता ही दिया है पूरा का पूरा मैसेज भी बता दिया है मैंने आपको दिखा दिया है ठीक है तो फर्स्ट वाला बताने की जरूरत नहीं है सेकेंड वाला जो है सेम टू सेम रहेगा बस उसमें क्या करना है उसमें हमें डिले मॉड्यूल में जाना है हमारे डिले बाय पेबली के अंदर और यहाँ पे जो डेट है वो टू आवर्स वाली जो है सेलेक्ट करनी है माइनस टू आवर्स वाला जो हमारा डेट टाइम फॉर्मेटर था ना जिसको हम रीनेम करके

ओके सो रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे मैं डालूंगा टू तो यहाँ पे ये आ गया टू आवर्स वाला मेरा टेम्पलेट जूम टू आवर्स तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ठीक है ओके? ओके ओके सो ये सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे मैं नाम वगैरह वैसा का वैसा सब कुछ मैप कर देता हूं एग्जाम्पल में ओके जैसे कि जो कि नाम था हमारा न्... रमेश वर्मा okay. पे हमारा जो है मीटिंग का नेम डायमंड मर्चेंट सेम टू सेम वही सब करना है जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाया था ना बस वही सब मैप करते हुए यहाँ पे हमको चलते जाना है टाइम हम यहाँ पे जो है मैप करेंगे जूम में से नहीं करेंगे टाइम मैप हम करेंगे हमारा जो हमने लास्ट में निकाला था स्प्लिट टेक्स्ट करके ये रहा हमारा टाइम है ना स्पेस दे के पीएम पी एम ठीक है टाइम भी मैप कर दिया ठीक है देन यहाँ पे हमारी जो लिंक है वो तो हमें जूम में ही मिलेगी ये रही ज्वाइन यू आर एल लिंक ओके देन पी टीम पैप आप अपनी टीम का नाम लिखिए मैं अपनी टीम का लिख रहा हूँ ओके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा ठीक है तो जैसे ही मैं एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक किया है तो रिस्पांस रिसीव्ड हो गया और सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज भी आ गया है ठीक है मैसेज पढ़ते हैं डियर रामेश डियर रमेश वर्मा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ टू द डायमंड मर्चेंट वेबिनार एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेबिनार विल हैपन विद इन द नेक्स्ट टू आवर्स ओके इट विल स्टार्ट एट शार्प टू एम ओके फॉलो द लिंक बिलो टू ज्वाइन द वेबिनार ओके है ना थैंक यू टीम फैमिली है ना ये टू आवर्स वाला हो गया ये हो गया हमारा टमोरो वाला अब बचा है हमारा कौन सा वाला अब बचा है हमारा फिफ्टीन मिनट्स वाला ओके okay? सो so, इसको मैं डन कर देता हूँ ये भी सेट हो गया है राउटर थ्री राउट थ्री में भी हम वही सब सेटिंग करेंगे जो हमने सेकेंड वाले में की है ना राउट थ्री में जाएंगे है ना डिले मॉड्यूल में बस हमको चूज करना है माइनस फिफ्टीन मिनट वाला ओके okay, तो so इसको मैं आ, कट कर देता हूँ और ये रहा माइनस फिफ्टीन मिनट वाला हमारा डेट टाइम फॉर्मेटर और ये रही उसकी डेट मैप कर दिया सेम एंड सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया ओके okay, स्टेटस सक्सेस हुआ एंड डिलेड हो गया है है ना मैसेज जो है हमारा अब हमें यहाँ पे जो है फिर से टैम्पलेट जो है चूज़ करनी है सेकेंड वाली दूसरी वाली रिफ्रेश करके ओके ओके रिफ्रेश हो गया रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे फिफ्टीन मिनट्स वाली जो टेम्पलेट है ओके ओके, सो यहां पे हम सर्च करेंगे जूम सेम डे वाली मीटिंग जो है इमिडिएट मीटिंग रिमाइंडर टू आवर्स मीटिंग रिमाइंडर ठीक है ये रहा सेम डे वाला ओके okay? सेम डे वाली जो है हमारी ये वाली टेम्पलेट हम यूज करने वाले हैं ओके okay? ठीक है सेलेक्ट हो रही है थोड़ा सा टाइम लगता है सेलेक्ट होने के बाद सो so यस yes, हो गया है सक्सेसफुली सेलेक्ट नेम स्पेस को वैसा ही रहने देंगे इंग्लिश कोड हमारा en एन है ना नीचे आ देंगे नेम फिर से यहाँ पे हम मैपिंग कर देंगे जो है है ना सेम टू सेम जैसे ऊपर की थी हमने ऊपर के दो में रामेश स्पेस वर्मा अरे सॉरी दो बार रमेश हो गया वर्मा वेबिनार नेम ये रहा हमारा वेबिनार का नेम बॉडी फिल जो टू है उसमें हमारा जो टाइमिंग है टेक्स फॉर्मेटर से जो हमने स्प्लिट किया है दैन इसके बाद हम यहाँ पे ए एम पी एम का भी वो डालेंगे ठीक है ये रहा पी एम सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइमिंग नहीं आएगी नीचे टाइमिंग मैप करेंगे यहाँ पे हमको जस्ट लिखना है मैनुअली फिफ्टीन Okay. Okay, लिख दिया, then यहां नीचे वाले में हमारी जो है यू आर एल आएगी जो मीटिंग की जो जॉइन यू आर एल सबसे नीचे है वो ये रही ठीक है मैप कर दिया सेम एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा ठीक है जैसे ही सेवन सेंट टेस्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास तीसरा वाला भी मैसेज आ जाएगा जो कि आ गया हेलो रामेश डे दिस इज अ रिमाइंडर द डायमंड मर्चेंट वेबिनार वेबिनार इज सेट टू बिगिन विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स इट विल शार्प एट टू पी एम फॉलो द लिंक बिलो टू ज्वाइन द वेबिनार नोट प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टेक्ट टू मेक द अबाउ लिंक क्लिकेबल ठीक है आप लोगों को एक बात और सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरीके का ही नोट एक अपने जो है टेम्पलेट में लगा दीजिएगा जिससे कि जो आपके यूज़र्स हैं उनको समझने में आसानी होगी कि वो ओके करेंगे तो लिंक जो है वो क्लिकेबल हो जाएगी है ना यहाँ पे फिर से हमें बताया गया है कि नंबर प्लीज़ सेव कीजिए या फिर ओके कर दीजिए और क्लिकेबल लिंक बना लीजिए इसको है ना इसका मतलब क्या है ये मैसेज बता रहा है कि हमने तीनों मैसेज जो है वो सही कर दिए हैं है ना एक ये हमारा एक दिन पहले वाला भी आ गया टमोरो वाला और एक ये हमारा जो है दो घंटे पहले भी आ गया है और ये एक हमारा जो है फ़िफ्टीन मिनट्स पहले भी आ गया है ये अभी तुरंत में इसलिए आए क्योंकि अभी मैंने वर्क फ्लो क्रिएट किया है लेकिन अब जब भी कोई यूज़र आके रजिस्टर करेगा तो उसको सीधे मीटिंग के एक दिन पहले जो है रिमाइंडर मैसेज सेंड होगा फिर रिमाइंडर मैसेज सेंड होगा दो घंटे पहले फिर रिमाइंडर मैसेज दोबारा सेंड होगा फिफ्टीन मिनट्स पहले ओके ऐसा रहेगा ठीक है थीके? और आप अपने हिसाब से इसको कितनी भी बार कर सकते हैं और कितने भी दिन पहले भी सेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अंदर वीडियो के है ना और ये हमें बता रहा है कि हमने जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है हमारे जो है पेबली कनेक्ट पेबली कनेक्ट बोल रहा हूँ जूम को व्हाट्सएप से है ना ठीक है है ना आप जब भी जूम में कोई मीटिंग में रजिस्टर करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली एक मीटिंग के एक दिन पहले और हमारे दो घंटे पहले और फिफ्टीन मिनट्स पहले जो है व्हाट्सएप पे रिमाइंडर मैसेज सेंड हो जाएगा ओके ये सब हमने कैसे किया ये सब हमने किया विद द हेल्प ऑफ पेबली कनेक्ट ना सिर्फ इन एप्लीकेशन को पेबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑटोमेट कर सकते हैं वो भी बिना किसी परेशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पर क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं वो भी एकदम फ्री में इस ऑटोमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या आप हमारी टीम से या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ दी गई हुई लिंक पर और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू